अपाय, एक शब्द बार बार आता है अपाय। अपाय जो शब्द है वो बना है आय से या अय से। अय का मतलब होता है प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, और अगर अय में अपाय लगा दें तो इसका मतलब है या निरय कर दें। अय में नी लगा दें तो निय हो जाता है, और निय से निरय बना है। निरय का मतलब सुख गया, यानी सुख चला गया। इसको बाद के समय में नरक भी बोलते हैं। और अगर अगर इस अय में पे लगा दें, अप लगा दें, तो ये अपाय हो जाता है। अपाय का मतलब है कि वो अवस्था जहां आपको दुख प्राप्त होता है, दुख रहता है। यानी कि शरीर के अंदर जो आपको कष्ट आने वाले हैं वो चार प्रकार के अपाय होते हैं, चार प्रकार की अवस्था होती है। इसको चहु बोलते हैं या चत्तारी बोलते हैं, क्योंकि चार है। तो ये चार प्रकार के जो अपाय हैं, इसमें सबसे पहला जो दुख आता है वो आता है निरय, यानी नरक। निरय और नरक का मतलब है आठ प्रकार के दुख होते हैं जो शरीर में आते हैं, जिसको नरक अवस्था में बोलते हैं। इसकी अलग अलग डिग्रियां हैं कि किसने कितना पाप किया है और उसके शरीर पर कितना दुख आएगा। जीते जी भी आएगा और मरने के बाद साथ जाएगा, अगर इसी जीवन में नहीं चुका तो। शरीर को चुकाना पड़ेगा, बिना इसको चुकाए कोई भी गति प्राप्त नहीं हो सकती अच्छी। चाहे आप सुसाइड भी कर लें, आत्महत्या कर लें, तो भी ये आपके साथ जाएगा। यानी पाप कर्म और पुण्य कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो कर्म आपने एक बार किया आप उससे पीछा छुड़ाना चाहें, चाहे वो पाप कम है या पुण्य कम है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। अगर आप सुसाइड भी कर लेते हैं, मर भी जाते हैं, या अचानक आपकी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी उस कर्म का जो फाइल है वाइब्रेशन के रूप में, वो नेक्स्ट बर्थ में जाता ही है, अच्छा भी और खराब भी। तो निरय पहला वर्क है अपाय में, जो कष्ट पहुंचाता है आठ प्रकार का। दूसरा होता है तिरछान योनि, यानी तिरछान जाति या तिरछान जात। क्या होता है तिरछान? तिरछान माने होता है तिरछा। तिरछा का मतलब है कि मनुष्य सीधा खड़ा होकर चलता है, और सीधा खड़े होने के अलावा जो जानवर आड़े या तिरछे या चपटे या चार पैरों पर चलते हैं या लिपटते हैं, उनको तिरछान बोलते हैं। यानी मनुष्य को बिल्कुल सीधा माना गया है, यजु माना गया है, और बाकी सबको तिरछान माना गया है। तो यानी कि जो तिरछे पैदा होते हैं आप उसमें जाएंगे, उसमें आपको वो जो कर्म है, पाप का कर्म है या पुण्य का है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप उसमें फिर साधना नहीं कर सकते, अपने पाप कर्म को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, उसकी मुक्ति नहीं प्राप्त करते, क्योंकि मुक्ति मनुष्य के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसा भगवान बुद्ध ने देखा और बताया। तीसरा आता है पेत योनि या पेत जात या पेत जन्म। पेत उसको बोलते हैं जब अपने किसी समूह से और कोई व्यक्ति दूर रहता है या दूर पैदा होता है, यानी जो उसका समूह है जहां लोग रहते हैं एक सामाजिक समूह के रूप में, सुख शांति के रूप में, और वो अकेला विचरण करता रहे, अकेला घूमता रहे, तो उसको पेत बोलते हैं। पेत की तरह चलता रहता है, तो इसलिए अकेले व्यक्ति को पेत बोलते हैं। उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, वो अच्छे बुरे को इतना नहीं समझ पाता। खाना मिला तो ठीक है, जो मिला मार दिया, किसी ने उसको मार दिया, उसने किसी को मार दिया, ऐसे ही बेकार की तरह वो जीवन में जानवर की तरह मनुष्य होते हुए भी घूमता रहता है। उसको पेत जन्म बोला है, यानी वो पेत होता है, उसको पेत जन्म में कष्ट भोगने होते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है असुरकाय। असुरकाय का मतलब है, सुर माने जो होता है वो अच्छा होता है, और असुरकाय का मतलब है जो खराब व्यक्तियों की काया है, यानी कि निगेटिव एनर्जी का सोर्स है, उसको असुरकाया बोला गया है। और निगेटिव एनर्जी के साथ में वो व्यक्ति पूरी जिंदगी चिड़चिड़ाहट करता रहेगा, नुकसान करता रहेगा, कभी कोई अच्छी बात नहीं करेगा, हमेशा काम खराब करेगा, हमेशा हरकत करेगा, बिल्कुल पागलों जैसी करेगा, लोगों को जब भी बात देगा कहेगा निगेटिव और उल्टी बात करेगा, उल्टी सलाह देगा। आपको ऐसा व्यक्ति किसी भी समाज में तुरंत पहचाने में आ जाएगा कि ये तो व्यक्ति ही खराब है, जब देखो जब लड़ाई झगड़े और फसाद का ही काम करता है, आग बरसाने का ही काम करता है, कभी सुलह शांति और अच्छे काम नहीं करता, वो बहुत ज्यादा अधम्मिक होता है। इन चार गतियों को अपाय गति बोलते हैं। अपाय गति बड़ी खराब और निगेटिव होती हैं, जो मनुष्य को भोगनी पड़ती हैं। ये शब्द आएगा, बार बार आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से जान लें। धन्यवाद। I'm not afraid of the dark.
संघं शरणं गच्छ।